नमस्कार, मैं हूं नीलू। मेरे साथ है मेरी सहयोगी चांदनी। और इस वक्त की बड़ी खबर, गृहमंत्री अमित शाह पेश करेंगे बिल। आईपीसी अमेंडमेंट से जुड़ा यह बिल होगा। बुधवार को कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी थी और अब गृहमंत्री अमित शाह इसे पेश करने वाले हैं। हम आपको बता दें कि गृहमंत्री अमित शाह पेश करेंगे बिल। आईपीसी अमेंडमेंट से जुड़ा यह पूरा बिल होगा और बुधवार को कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी थी और आज इसे गृहमंत्री अमित शाह पेश करने वाले हैं। अमेंडमेंट बिल है ये, आईपीसी पर अमेंडमेंट बिल है और इसी को पेश करेंगे अमित शाह। अब अमेंडमेंट बिल किस तरीके का होगा, क्या क्या क्लॉजेस में होंगे, वो सारी चीजें हैं, लेकिन पेश हो जाएगा। बताया जा रहा है कि कैबिनेट ने इसे बुधवार को ही मंजूरी दे दी थी और अब आज गृहमंत्री इसे इस बिल को पेश करने वाले हैं। बातचीत करने के लिए विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, इसका इंतजार किया जा रहा था कि अमेंडमेंट बिल को आज पेश होना है और अब अमित शाह इसे पेश करने वाले हैं। बुधवार को कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी थी, कोई अड़चन तो नहीं होगी इस पूरे बिल को पेश करने में? जी नीलू, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज अब से थोड़ी देर बाद अब जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आईपीसी से जुड़े अमेंडमेंट बिल को जो है वो पेश करेंगे। माना यह जा रहा है कि इस बिल में जो बहुत पुराने कानून चले आ रहे हैं, बताया यह जा रहा है कि अंग्रेजों के जमाने से जो कानून चले आ रहे हैं जो आज के डेट में इरिलेवेंस हो गए हैं, जिनकी बहुत महत्ता नहीं है, या फिर वो जो ऐसे कानून जो विभिन्न अड़चने में पैदा करते हैं उसको अमेंड किया जाएगा। लगातार यह इस बात की मांग करती रही है कि जो अंग्रेजों का शासन था वो औपनिवेशिक शासन था और जो भी कानून बनाए गए थे वो औपनिवेशिक मानसिकता के तहत कानून बनाए गए थे और इसी में अमेंडमेंट करने की लगातार जरूरत जो है वो बताई जा रही थी और इसी अमेंडमेंट से संबंधित बिल जो है वो अब से थोड़ी देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो लोकसभा में पेश करेंगे और उसे पास करवाने की कोशिश में की जाएगी। हालांकि अगर हम बात करें संख्या बल के बारे में बात करें तो लोकसभा में सरकार के पास आवश्यक संख्या बल है जिसके माध्यम से इस बिल को जो है वो पेश करवा लिया जाए और उसके बाद राज्यसभा में भी बिल जब जाएगा तो इसको पेश करने में पास करवाने में कोई अड़चन नहीं होगी। लेकिन मैं जो एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका कितना समर्थन मिल पाता है। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी सामने आ रही है कि जो औपनिवेशिक मानसिकता की गुलामी की निशानी की जो को खत्म करने की बात जो है वो केंद्र सरकार लगातार कहती रहती, मोदी सरकार लगातार कहती रहती थी। बिल्कुल, लगातार इस बात की मांग भी उठ रही थी कि आईपीसी में बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट की जरूरत है जिस कानून की जरूरत 1947 से पहले थी या उस वक्त थी, उसके बाद इसकी जरूरत खत्म हो गई देश आजाद होने के बाद, तो भी ये सारी चीजें आईपीसी में बहुत सारे ऐसे मामले थे जिसके तहत सजा होती थी या बहुत सारे ऐसे प्रावधान थे जो कि दिक्कत आ रही थी। ऐसे में खास तौर पर वो कौन कौन से ऐसे अमेंडमेंट होंगे जब आईपीसी अमेंडमेंट को जुड़ा बिल पेश कर दिया जाएगा और उसमें बदलाव होगा, कौन कौन से ऐसे आईपीसी धाराएं हैं जिसको लेकर सबसे ज्यादा विवाद हुआ? जी मैं, हालांकि अभी इसके बारे में जानकारी जो है वो अभी गोपनीय रखी गई है। नीलू, जैसा कि हमें बताया गया है कि अभी पहले जो है वो बिल को पेश किया जाएगा, जैसे ही बिल को पेश में किया जाएगा वैसे ही जानकारी जो है वो सार्वजनिक हो जाएगी और संसद के जो विभिन्न सदस्य हैं उन तक भी पहुंच जाएगी, हमारे तक भी, मीडिया तक भी बात आ जाएगी, वैसे ही हम अपडेट करेंगे। लेकिन जो हमारे जो सूत्रों से बात हुई है, जो मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों से बात हुई है, उनका साफ तौर पे कहना है कि वैसे कानूनों को बदला जाएगा जो औपनिवेशिक मानसिकता के कानून थे और जिनको जिनकी आज जरूरत नहीं थी, उस समय बनाए गए थे अंग्रेजों ने जो वैसे कानून बनाए थे जिसमें अंग्रेज जो औपनिवेशिक जरूरतों को पूरा करने के लिए शोषण भरा जो कानून था उन्हें खत्म किया जाएगा, ऐसे कानूनों को खत्म किया जाएगा जिनकी रिलेवेंस जो है वो आज के दिन में खत्म हो गई है, वैसे कानूनों को खत्म किया जाएगा। और इस बिल के पास होने से जो आजादी की बात में लगातार की जा रही थी, मैं आजादी के अमृत महोत्सव में विभिन्न में बदलाव जो की जा रहे थे, बदलाव के बयार जो है वो मोदी सरकार में कह रही थी कि वो जनता को फायदा पहुंचाएगी, वो अपने कानूनों के माध्यम से जनता को फायदा पहुंचाएगी, उससे संबंधित यह बिल होगा। जी ठीक है, चलिए इंतजार रहेगा बिल पेश आज गृहमंत्री की तरफ से किया जाना। अब देखना होगा आईपीसी की कौन सी ऐसी धाराएं जिसमें अमेंडमेंट हो सकता है इस बिल के पास होने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए।